हेलो फ्रेंड्स, शेयर बाजार में अधिकतर लोग बहुत कम पैसे से काफी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। उनके बहुत सारे पैसे थोड़े से पैसे बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मार्केट में कमाल किया है। हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप जान सकेंगे कि 0 से 1,000 करोड़ रुपए कैसे बनाए जाए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल की। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, रामदेव अग्रवाल का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में एक दूर दराज के एक ऐसे गांव में हुआ जहां बिजली और सड़कें भी नहीं थी। रेगुलर एजुकेशन पूरी करने के बाद रामदेव अग्रवाल ने मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने का फैसला किया। रामदेव अग्रवाल ने बहुत संघर्ष किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पूरा होने में 5 साल लग गए। अपनी स्टडी के दौरान उनकी मुलाकात मोतीलाल ओसवाल से हुई। इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने ये तय किया कि वो स्टडी पूरी करने के बाद स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने 1987 में मोतीलाल ओसवाल सब ब्रोकिंग फर्म की स्थापना की। उस टाइम की छोटी सी फर्म आज देश की बड़ी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। रामदेव अग्रवाल अपना गुरु वॉरेन बफे को मानते हैं। 1994 में रामदेव अग्रवाल की पहली बार वॉरेन बफे से मुलाकात हुई और वॉरेन बफे से मुलाकात ने उनकी तकदीर बदल दी। रामदेव अग्रवाल का मानना है कि कम गलती करना कमाई का सबसे बड़ा मंत्र है। उनके अनुसार बफे मंत्र से कमाई में काफी सहारा मिला। बर्कशायर हैथवे की रिपोर्ट दुनिया में सबसे बेहतर है और बर्कशायर हैथवे रिपोर्ट से ही उनकी समझ बेहतर हुई। रामदेव अग्रवाल ने शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया क्योंकि वो शेयर चूज करने में बहुत अच्छे हैं। वो एक एनालिस्ट और वैल्यू इन्वेस्टर हैं। 1997 में उनका पहला मल्टी बैगर स्टॉक हीरो होंडा था। मोटरसाइकिल बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने हीरो होंडा स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो सही निकले। हीरो होंडा उनके लिए पहला मल्टी बैगर स्टॉक बन गया। रामदेव अग्रवाल की नेक्स्ट पिक 1998 में इन्फोसिस थी। रामदेव अग्रवाल ये समझ गए थे कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। इन्फोसिस के बाद एयरटेल को भी उन्होंने सही टाइम पर पकड़ा, वो भी उनके लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। रामदेव अग्रवाल के मुताबिक पैसा बनाने के लिए पैशन और स्टडी जरूरी है, साथ ही कमाई के लिए सही स्ट्रेटजी भी जरूरी है, साथ ही पैसा बनाने के तरीके को समझना भी जरूरी है। इसके अलावा बैलेंस शीट से लेकर अच्छी किताबें पढ़ें और उतना ही खरीदें जितना आप संभाल सके। रामदेव अग्रवाल के अनुसार शेयरों में इन्वेस्ट करने का सीधा फॉर्मूला है। उनके अनुसार शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। सफलता के इस मंत्र को 3D भी कहते हैं। पहला, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। तीसरा, प्राइस और वैल्यू के बीच अंतर करने की क्षमता यानी डिफरेंशिएशन। रामदेव अग्रवाल के अनुसार टाइम अच्छा हो या बुरा, डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ बने रहना जरूरी है। 7 दिन 24 घंटे 365 दिन 20 साल 30 साल पूरे करियर के दौरान अनुशासित होना चाहिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं आपसे कोई लक्ष्य दूर नहीं रह जाता है। वो इन्वेस्टर को प्राइस और वैल्यू के बीच अंतर को भी समझने की सलाह देते हैं। जो आपको मिलता है वो वैल्यू है, प्राइस या कीमत वो है जो आप चुकाते हैं। इन्वेस्टर को वैल्यू का पता लगाना आना चाहिए। शेयरों के चुनाव में बाजी मारने का रहस्य उस कंपनी की पहचान करने में है जो तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री का हिस्सा है और जिसका मैनेजमेंट उन हाथों में है जिनकी स्ट्रेटजी क्लियर है और जो तेज ग्रोथ पर जोर देते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 100 गुना मुनाफा देने वाले शेयर की पहचान कैसे होती है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे शेयर काफी कम होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 30 सालों में सेंसेक्स 100 गुना हो गया है। ऐसे में आपको ऐसा शेयर चुनना होगा जो 15 साल में 100 गुना बढ़कर बाजार को मात दे सके। ये विकास वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन बढ़त वाली कंपनी खोजना मुश्किल काम नहीं है। आपको छोटे कारोबार अच्छे मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, यही आधारभूत चीजें हैं। यह 90% मैनेजमेंट का, 9% बिजनेस का और सिर्फ 1% शेयर का मामला है। कंपनी अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होनी चाहिए। ये छोटी यानी 1,000 करोड़ रुपए से कम वाली कंपनी होनी चाहिए। आप इन मानदंडों पर कंपनी की तलाश करें जो बाजार की अग्रणी भी होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेज इंडस्ट्रीज है।
अपने क्षेत्र में अग्रणी होने के बाद भी ये महज 500 करोड़ रुपए की कंपनी थी। अगर आपको ऐसे मानदंड वाली कंपनी मिल जाती है तो आसानी से काफी रकम अर्जित की जा सकती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़िरोधा या अपस्टॉक्स से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।